व्हाट्सएप आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट माजिद। तो आज का हमारा वीडियो है, इसमें बात करने वाले हैं डीजिंग का स्विच है हमारे पास रिव्यू के लिए आया है। 5 पोर्ट है, 10x100 डेस्कटॉप स्विच है, 100 MB स्पीड प्रोवाइड करेगा हमें, 100 MB तक ये सपोर्ट करता है, डेटा ट्रांसफर कर सकता है। 5 पोर्ट्स हैं, कनेक्ट अप टू 5 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर सकता है ये एक स्विच। प्लग एंड प्ले है, इजी इंस्टॉल है, कोई इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले। एक इस तरह का इसका बॉक्स है आप देख सकते हैं, और मॉडल इसका है डीजिंग 5 port 10x100 DES1005A, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसका हम बॉक्स को ओपन करते हैं, इसे ओपन करते हैं और ये है कुछ इसमें जो निकल रहा है वो है जी एक ये है वारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड है और एक ये इंस्टॉलेशन गाइड है इंग्लिश में, और ये हमारा जो है डीजिंग का स्विच है ये वाला, और इसको बाद में, और इसमें क्या है, और ये चार्जर है, अडाप्टर है इसका, और ये है जी 0.2 एम्पीयर का है, और ये कुछ इस तरह ये चार्जर है, और ये इसका स्विच है। तो ये चीज़ है, और ये कोई खासी महंगी भी नहीं है, राउटर से भी काफ़ी सस्ती है। इसको हम जैसे ओपन करते हैं तो हम कुछ देखते हैं व्यू, छोटा सा डिवाइस है ये आप देख सकते हैं, इसका ये 5 पोर्ट्स हैं, और ये इधर एक अडाप्टर के लिए पोर्ट है चार्जिंग के लिए, और ये एक हमें देंगे इसको पीछे से इनपुट, और ये हम 4 इससे आउटपुट ले सकते हैं। इजी टू यूज़ है, जस्ट प्लग एंड प्ले है, इसकी कोई कंफ्यूजन नहीं है, 100 MB तक ये हमें रिस्टोर कर सकता है, डाटा ट्रांसफर कर सकता है, और इसका कोई कंफ्यूजन नहीं है, और ये इसका कुछ दिया हुआ उन्होंने मॉडल्स वगैरह, और ये इसका अडाप्टर वगैरह है, देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और कुछ इस तरह के इसके पेज वगैरह हैं, और ये इसका अडाप्टर है, और ये इसका व्यू है। तो आप इसको हम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए कि इसको हम करंट दे सकें, और उसके बाद हम इसको यूज़ करके दिखाते हैं आपको। तो चलते हैं अपने इंस्टॉलेशन। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने इंस्टॉलेशन पॉइंट के ऊपर, और हम इसको हम प्लग एंड प्ले का ही करके दिखाएंगे आपको हम। तो ये कुछ डिवाइस पड़ी हुई है हमारी, और डिवाइस को हम अभी ऑन करेंगे, इसके साथ हम अपना पीसी कनेक्ट करके इसकी स्पीड वगैरह और इसका फंक्शन वगैरह चेक करेंगे। तो ये रहा इसका अडाप्टर, अडाप्टर इसका हम कनेक्ट करेंगे, इसके साइड पर ये दी हुई है पोर्ट, और ये पोर्ट हम जैसे इसको करेंगे ओपन, और ये इंजेक्ट कर देंगे इसका अडाप्टर, और हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से, और ये भी देखिएगा ये ऑन हो चुका है। तो ये ऑन हो जाएगा, बल्कि ऑन हो चुका है, तो हम इसमें अभी देंगे एक इनपुट देंगे इसकी बैक के ऊपर, ये नीचे देखें इसमें भी दिया हुआ है कि ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। तो ये हो गया इनपुट, देखो उसने कह दिया मुझे इनपुट मिल गई है, तो अभी हमने इसे आउटपुट लेनी है। ये तो हमारा आ गया ना मेन वायर आ गई राउटर का जो पीछे से आ रहा है, तो अब हमने इसके ऊपर एक वायर और चाहिए जो हमने अपने पीछे से कनेक्ट करनी है, और फिर इसको चेक करेंगे।
हमारे पास एक और वायर है ये जो हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने पीसी के लिए, तो हम इसमें देख सकते हैं ये हमारा मेन वायर आ गई और ये हम पीसी के लिए यूज़ करेंगे। और अब हम इसको करते हैं इंजेक्ट पीसी में और ये हमने लगा दी वायर पीसी में और देखें उसमें ऑन हो चुकी है और ये इसके ऊपर भी हमें शो करवा रहा है, देख सकते हैं उसने जो डिवाइस है उसको खूब बखूब सेटिंग अप करना शुरू कर दिया है। ये देखें इसने हमें शो करवा लिया है कि मैंने ये डिवाइस उठा ली है। इसमें हम इसको देखें जो वाईफाई का नाम है पेन यूज़ जो कि मेरे वाईफाई का नेम है वो उसे शो करवा रहा है और हम सिंपली इंटरनेट चेक करेंगे स्पीड वगैरह। जैसे हम करते हैं यूट्यूब को ओपन और देखते हैं क्या स्पीड दे रहा है, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त स्पीड दे रहा है ये, तो ये देख सकते हैं ये कुछ वीडियोस वगैरह है तो ये स्पीड दे रहा है, काफ़ी अच्छी स्पीड दे रहा है इसको ले, तो काफ़ी वर्किंग डिवाइस है। तो ये था देख सकते हैं कि ये ब्लिंक कर रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये नंबर वन पोर्ट जो वर्क कर रही है, नंबर टू वाली भी वर्क कर रही है। तो ये था इसका डेली का फीचर्स, इसके लिए कोई हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट प्लग एंड प्ले है। तो ये इसका बड़ा ज़बरदस्त फीचर है कि हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट प्लग एंड प्ले, जैसे इसमें वाईफाई नहीं है बाकी सब कुछ इसमें अवेलेबल है। ये स्विच होता है, राउटर होता है जिसमें हम वाईफाई यूज़ होती है और जिसमें हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है सब कुछ, इसमें हमें कॉन्फ़िगर कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमें करंट देना है और वायर इंसर्ट करनी है और आउटपुट लेनी है। ये था हमारा आज का रिव्यू, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप इसे बाय करना चाह रहे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ वाले बेल आइकॉन को भी याद दबा दिया करो। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया होगा, रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक शेयर और बाबा सारा सब्सक्राइब कर दियो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।